असलकम जी वी आर स्टार्टिंग विद अनदर डिज़ाइन प्रोजेक्ट एंड दैर इज़ बिजनस कार डिज़ाइंस तो बिजनेस कार्ड की इम्पोर्टेंस क्या है बिज़नेस कार्ड एक बड़ा अच्छा रिसोर्स है आपकी कंपनी का आपके ब्रांड का फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए ऑन अनादर पर्सन जो कि फर्स्ट टाइम आपसे मिला या आपने अपनी कंपनी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया सो यू शेड द बिज़नेस कार्ड ऑफ योर कंपनी विद दैट पर्सन और फ़र्स्ट इम्प्रेशन आपकी कंपनी का आपके ब्रांड का आपके बिज़नेस कार्ड से पड़ेगा सो so, आपका बिजनेस कार्ड कितना अच्छा डिज़ाइंड है दैट विल रिप्रेजेंट योर कंपनी दैट विल रिप्रेजेंट योर ब्रांड इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स के पीपल कैन गेट बैक टू यू आप किसी इवेंट में गए और वहाँ जाके आपने कुछ लोगों से मुलाकात की एंड यू शेड योर बिजनेस कार्ड्स सो दोज़ पीपल्स कैन गेट बैक टू यू Uh, अगर वो आपके साथ काम करने में आपकी प्रोडक्ट में आपके सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं या दे नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प सो देर आर अ नंबर ऑफ़ रीज़न्स के बिजनेस कार्ड की अभी भी इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंस है एंड uh, इसमें क्या कॉन्टेंट प्रजेंट किया जाता है बिज़नेस कार्ड कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं सो लेट्स अ लुक ऑन दैम जी तो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं बिजनेस कार्ड डिज़ाइन के uh, सबसे पहले हम क्या करेंगे वी आर स्टार्टिंग विद गैदरिंग द रिक्वायरमेंट्स उसके बाद हम कुछ स्केचिंग करेंगे बिजनेस कार्ड्स की uh, अपने कंटेंट को यूज़ करते हुए उसके बाद हम एडोबी इलस्ट्रेटर में जाके अपने टैम्पलेस डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद वी विल डिज़ाइन आर बिजनेस कार्ड बाय यूजिंग द टेम्पलेट जो कि हम इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन कर चुके होंगे उसके बाद हम अपने डिज़ाइन को वी विल एक्सपोर्ट द फाइल फॉर द प्रिंटिंग पर्पज़ सो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के लिए हमारे पास कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सो so, जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं किसी दोस्त के लिए किसी भी कंपनी के लिए बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करने जा रहे हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप उनसे ये पूछें कि आप क्या कंटेंट उस पर प्लेस करवाना चाहते हैं सो यू कैन आल्सो आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देम जैसा कि यू कैन आस्क कि उस पर क्या उस पर क्या नाम लिखना है ठीक है उसके बाद जॉब टाइटल्स उस पर हमने मेंशन करने हैं या नहीं करने सो so हम ये उनसे पूछ सकते हैं uh, इसके अलावा हम ई का पूछ सकते हैं फ़ोन नंबर्स का पूछ सकते हैं ठीक है जी और इसके अलावा जी ऑफिस एड्रेस के बारे में सो so ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो कि हमने उनसे पूछनी कि वेदर वी नीड टू प्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन ऑन द बिज़नेस कार्ड और नॉट सो सपोज़ वो कहते हैं कि यस हमने जो बिज़नेस कार्ड के ऊपर जो नाम है वो प्लेस करना है जॉब टाइटल प्लेस करना है ई मेल फ़ोन नंबर एंड ऑफिस एड्रेस तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम प्लेस करना चाहते हैं अपने बिजनेस कार्ड के ऊपर और बिज़नेस कार्ड के ऊपर आप और क्या चीज़ें प्रेजेंट कर सकते हैं जैसा कि सोशल मीडिया लिंक्स आप शेयर कर सकते हैं वेबसाइट एड्रेस आप उसका यूआरएल वो शेयर कर सकते हैं बिज़नेस कार्ड के ऊपर इसके अलावा जी आप अपनी कंपनी के स्लोगन्स जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं उसकी कंपनी का स्लोगन या अगर आप अपने लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो स्लोगन्स वग़ैरह ये आप प्लेस कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम आजकल के बिज़नेस कार्ड्स की बात करें तो बहुत सारे बिज़नेस कार्ड्स के ऊपर आप कुछ क्यू आर कोड्स वगैरह देखेंगे आ, तो क्यू आर कोड्स अगर स्कैन किए जाएं तो आप इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं उसको व्यू कर सकते हैं या किसी वेबसाइट पे वो आपको लेके जा सकते हैं सो क्यू आर कोड भी प्लेस किए जा सकते हैं आ, इसके अलावा आप अपने क्लाइंट से ये पूछेंगे कार्ड की शेप क्या होगी आ, अगर हम एक नॉर्मल कार्ड की बात करें दैट इज़ थ्री पॉइंट फाइव इंचज बाय टू इंचज ठीक है अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड की बात करें जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड है तो थ्री पॉइंट फाइव इंचज़ बाई टू इंचज का बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन किया जाता है अगर वो समझता है कि हमें कस्टम डिज़ाइन चाहिए जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी कंपनी का कोई लोगो है और वो चाहता है कि मुझे कुछ इस तरह का ही बिज़नेस कार्ड चाहिए और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रिंटेड हो सो यू कैन ऑल्सो डिजाइन दिस काइंड ऑफ बिजनेस कार्ड्स वो कहता है जी के वी नीड समेप लाइक दिस और उसमें कुछ हमें कट आउट्स चाहिए ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन इज़ ये होलो है और यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन प्रजेंटेड है सो so ये सब डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि उसको किस तरह की शेप्स रिक्वायर्ड हैं सो अगर वो कहता है कि जो नॉर्मल बिज़नेस कार्ड है तो हम उसको कंसिडर करेंगे दैट इज़ थ्री पॉइंट फाइव इंचज बाई टू इंचज एंड द लास्ट थिंग इज़ के बिज़नेस कार्ड के विजुअल्स के लिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट के क्लाइंट आपको एक ब्रांड गाइड प्रोवाइड करे विद अ फिनिश्ड लोगो लोगो उसका डिज़ाइंड होना चाहिए सो ब्रांड गाइड से हम क्या करेंगे ब्रांड गाइड से हम लोग फॉन्ट्स uh, उठाएंगे दैट वट फॉन्ड्स वी आर गोइंग टू यूज़ हम यहाँ से कलर्स पिक करेंगे और हम कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स पिक करेंगे ठीक है तो बिजनेस कार्ड के विजुअल्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी ब्रांड गाइड्स ऑलरेडी डिज़ाइंड हों क्रिएटेड हों उसका फिनिश लोगो हमें प्रोवाइड क्लाइंट करे सो सो दैट वी कैन प्लेस इट इन साइड द बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन तो इसके अलावा uh, जो बाकी क्वेश्चंस हैं बिज़नेस कार्ड का साइज़ क्या होगा या उसकी कस्टम शेप किस तरह की होगी और अगर उसमें जो कंटेंट प्लेस करना है इसमें से आप लोग क्वेश्चनस uh, पूछ सकते हैं कि वेदर यू वांट टू प्लेस द नेम यू वांट टू प्लेस द जॉब टाइटल जो 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 वो uh, आपको कंफर्म करता जाए आप उसको चेक कर सकते हैं और उसे पूछ सकते हैं कि जो नाम है वो क्या प्रजेंट करना है Uh, और अगर वो अपनी पूरी कंपनी के लिए बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर रहा है तो ये एक ऐसा कंटेंट uh, है जो कि हर बिजनेस कार्ड के ऊपर डिफरेंट होगा और जॉब टाइटल एंड ईमेल एंड द फ़ोन नंबर ये सारे कंटेंट uh, उस बिज़नेस कार्ड के ऊपर चेंज होंगे एक कंपनी के लिए लेकिन जो उसका ओवरऑल एक थीम होगा डिज़ाइन का वो सेम रहेगा उसका कार्ड का साइज़ सेम रहेगा लेकिन ये कंटेंट चेंज होगा सो फिर आप क्या कर सकते हैं फिर आप एक डमी कंटेंट के साथ बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करें वो क्लाइंट को प्रेजेंट करें और उसके बाद उसके हर एम्प्लॉय के लिए आ, आप कंटेंट को चेंज करके आ, उसको प्रिंटेबल फाइल्स शेयर कर सकते हैं हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स सारी ऑलरेडी होंगी सो वी कैन स्टार्ट विद डिज़ाइनिंग बिजनेस कार्ड्स लेट्स डिज़ाइन अ बिज़नेस कार्ड फॉर यू इमेजिन यू एज अ ब्रांड इमेजिन योर नेम एज अ चीफ एग्जैक्यूटिव ऑफ दैट ब्रांड सो वी आर गोइंग टू डिज़ाइन बिजनेस कार्ड फॉर योर ब्रांड तो आप एक जगह पर अपनी रिक्वायरमेंट्स को लिखें कि आपको uh, किस शेप में बिजनेस कार्ड चाहिए आपका जो कॉन्टेंट है वो क्या है और उसके बाद वी कैन स्टार्ट विद डिज़ाइनिंग अज़नेस कार्ड सो अगले लेसन में आई विल कम अप विद सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड देन वी विल स्केच सम कॉन्सेप्ट और उसके बाद उससे नेक्स्ट लेसन में वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग द टेम्पलेट एंड डिजाइनिंग द बिजनेस कार्ड सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन थैंक यू सो मच